अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है मेरी, तकरीबन इस टाइम दोपहर के 2:15 हो रहे हैं। बहुत लेट उठा हूँ आज, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। रात को काम करना पड़ा था, काफ़ी लेट काम करता रहा, तो इस वजह से चलता है हमारे लिए। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस टाइम लाहौर में जो है ना, और काफ़ी दिनों के बाद आज लाहौर में धूप निकली है, यानी कि तकरीबन 3 दिन बाद मेरे ख्याल से धूप निकली है, और काफ़ी तेज़ चुभने वाली धूप है। आपको भी दिखाता हूँ किस तरह की वो धूप है इस टाइम। ये देखें कैसी धूप निकली हुई है इस टाइम। तो अब जो है, अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद नाश्ता करूँगा। नाना के लोग 2 बजे ही दोपहर का खाना खाते हैं, लेकिन मैं नाश्ता करता हूँ। मैं जब भी सो के उठूँ, मैंने नाश्ता करना ही करना है। दोपहर का खाना नहीं खाना। अगर मैं शाम को भी उठूँ ना मगरिब के टाइम, मैंने नाश्ता करना है पहले, उसके बाद खाना खाना है। जो मेरे बाकी काम है सारे दिन के वो करूँगा, उसके बाद क्या होता है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो बाय बाय। क्या पहनूँ क्या पहनूँ, चलो ये वाली ले लेते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, लड़कों की कबर्ड ऐसी ही होती है। ये जो सारे कपड़े हैं ये अब जाएंगे वॉशिंग बैग में, क्योंकि इससे पहले मेरे घर वाले मुझे वॉशिंग बैग में फेंक दें तो ज़रा रूम साफ साफ होना चाहिए ना। देखें ऐसे कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, तो शावर भी हो गया है, फ्रेश भी हो गई हैं, बेड को भी सही कर लिया है, अपने रूम की चीज़ें भी सेट कर दी हैं। अब क्या टाइम है, अब टाइम है नाश्ते का। पहले पेट पूजा फिर कंदूचा। वॉइस ओवर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारी बारी है चेंज करने की। अब हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, और बाहर जाने से पहले हम एक दफ़ा रिकन्फर्म करेंगे हमजा भाई को कॉल करके कि भाई आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, देख लेते हैं कॉल करके। हाँ जी सर, किधर हैं, हाँ जी, आप किधर हो? बस डन हो गया, बस मैं निकलने लगा हूँ 10 मिनट में। हाँ 10-15 मिनट में निकल जाना, मैं डन हो गया। ओके पौने का 8 बजे तक पहुंच जाओगे ना। हाँ इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। चलो मुझे, मैं भी 7:45 पूरे उसके उसके बाहर होगा। ठीक है ओके डन डन हो गया। अल्लाह हाफिज़। हाँ तो मैं हो गया हूँ रेडी, बस अब हम जाएंगे जिधर हमने जाना है। ये टाइम है आपके आने का, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बात कुछ ऐसे है कि घर हम आगे में हैं और अपना मैं काम कर रहा था, जैसे आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है, और यही मुझे टाइम मिला है, सोचा अपना ब्लॉग बाकी मैं एडिट कर लूँ। और मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, यही वाला ब्लॉग व्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो मैं अभी बना रहा हूँ।
इस टाइम मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ अपने व्लॉग की, और एक दो काम होते हैं यूट्यूब पे जो मैं चैनल जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें पब्लिक पॉइंट है और उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिख के देना, उनकी एडिटिंग को देखना, उसको कर रहा होता हूँ। और साथ जो मैं अपना काम जो मैंने करना होता है, वो जो जिस सॉफ्टवेयर पे मैं कर रहा हूँ उसका नाम है फिल्मोरा। बेसिकली बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे लोग एडिटिंग करते हैं, मुझे पर्सनली फिल्मोरा इसलिए पसंद है, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ है। अडोब प्रीमियर भी आता है, लेकिन उस पर मैं काम करने को इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म लेवल पे आ जाता है, उस पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम जो है वो लंबा चला जाता है। हाँ, ये है कि फिल्मोरा में जब आप काम करते हो उसकी आपकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, लेकिन गुजारा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी टाइमलाइन है जिसपे आपकी वीडियोस जो हैं आप एडिट के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। छोटी सी एक विंडो है जिसपे आप, जैसे ये देखिए, इस टाइम देख रहा हूँ, इस टाइम आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीन कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। ये जो है पोर्शन, ये सारा आपकी वीडियोज जो हैं ये होती हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके टाइमलाइन पे क्लिक करानी पड़ती है। रात के इस टाइम बज रहे हैं 3, एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काम हमारा सारा हो गया, अब हम जाएंगे सोने के लिए। शब खैर। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।